हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिंटेक्चा। और आज हम ना एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इसके बारे में वीडियो बनाऊं, बट क्योंकि मेरे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। बट आज बड़े दिन के बाद मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा इस पर जरूर एक वीडियो बनाना तो बनता है। तो वो टॉपिक है पाकिस्तान बेस्ड रिएक्शन चैनल्स। गाइस आपने भी शायद नोटिस किया होगा, मैंने भी थोड़े दिन पहले नोटिस किया कि अचानक से पाकिस्तान में खूब सारे रिएक्शन चैनल बन गए हैं जो ज्यादातर इंडिया के कंटेंट्स पे, टूरिज्म के जो वीडियोस हैं उन पे, और जो इंडियन यूट्यूबर हैं वो जो कंटेंट अपलोड करते हैं इंडिया के बारे में उस पे ये रिएक्शन देना इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये एक नहीं, अचानक से बहुत सारे बने। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई वहां रिएक्शन चैनल बना के इंडिया के बारे में अच्छाइयां कर रहा है, बढ़ाइयां कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, आपस में तो सब मिलजुल के रहने चाहिए, ये तो गवर्नमेंट के बीच की प्रॉब्लम है। तो गाइस मैं आपको ये बात बताऊंगा, ऐसा नहीं है। एक डेमोक्रेसी में पब्लिक गवर्नमेंट को बोलती है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर पाकिस्तान एक सूडो डिक्टेटरशिप है, वहां आर्मी बताती है कि क्या पब्लिक करेगी। पब्लिक वहां आर्मी को नहीं बताती कि आर्मी को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान कैसे चलाना चाहिए। वहां आर्मी पब्लिक को बताती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई ये सोचे कि ये रिएक्शन चैनल बनाने से और इंडिया के कंटेंट्स के ऊपर रिएक्शन देने से कोई हालात ठीक हो जाएंगे, कोई दोस्ती की नदियां बहने लगेंगी और कुछ सब कुछ सही हो जाएगा, अगर ऐसा वो कोई सोच रहा है तो दीवानों का ख्वाब देख रहा है। पहली बात तो मैं ये बता दूं। अभी दूसरा इसमें क्या है, अभी मैं देख रहा था एक पाकिस्तान बेस्ड रिएक्शन चैनल था, उसमें एक कोई याकूब करके मेंबर था। अचानक से उसने अपने रिएक्शन वीडियो में सब कुछ देखने के बाद बोला कि ये जो मुंबई अटैक है ये इंडिया ने खुद अपने ऊपर करवाया है, और जो कसाब था वो इंडियन था, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हालांकि उसके बाद उसके मेंबरों ने उसमें एक अपोलॉजी वीडियो डाली और सारी चीजें करी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इसमें मुद्दा ये है कि जो आपके सामने रिएक्शन दे रहे हैं, जो आपके सामने कैमरे के सामने बैठ के अच्छाइयां इंडिया की, बढ़ाइयां इंडिया की कर रहे हैं, जाहिर है व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं, क्या ये कैमरा बंद होने के बाद भी इंडिया के बारे में उतना ही अच्छा सोचते हैं, इंडियंस के बारे में उतना ही अच्छा सोचते हैं, या केवल इनकी जो मीठी मीठी बातें हैं ये जब तक कैमरा ऑन है बस तब तक हैं, और कैमरा ऑफ होते ही इन सब के अंदर एक याकूब बैठा है जो ये मानता है कि जो मुंबई अटैक है वो इंडिया ने खुद करवाया है, और जो इनकी पाकिस्तान गवर्नमेंट की फॉल्स फ्लैग की जो थ्योरी फ्लोट कर रखी है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि कहीं भी कुछ भी हो और अगर पाकिस्तान का उसमें नाम आए तो कह दो फॉल्स फ्लैग है, इसने ये अपने ऊपर खुद कराया है, और पब्लिक एकदम मान लेगी हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। तो ये देखना बहुत जरूरी है गाइस, आप इनको व्यूज सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं उसके बदले में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये इंसान वाकई में अपने दिल के अंदर इंडिया के लिए इतनी इज्जत और प्यार रखता है, या ये खाली कैमरे के आगे आपको दिखाने के लिए इंडिया की इतनी वाहवाही कर रहा है। ये दोनों चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यूज आपके सब्सक्राइबर से आया हुआ पैसा घूम फिर के किसी गोली और बंदूक खरीदने में खर्च हो, और उसके बाद वो गोली और वो बंदूक से चली वो गोली किसी हिंदुस्तानी सिपाही के ही दिल में ना लगे। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो किसी मेजर विभूति को किसी उड़ी कैंप के हमले में झेलना ना पड़े उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी, हमारा कर्तव्य है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पाकिस्तानी बुरे हैं या फिर सारे के सारे इसमें से एक ज़कात का पैसा दे देंगे जो खर्च होगा दीनी कामों में, और दीन के जो काम है वो बेसिकली कश्मीर में आके ही रुकते हैं सारे पाकिस्तान के हथियारबंद मुजाहिदीनों के साथ। तो आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि आपकी जो व्यूअरशिप है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है, उसके बदले में जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है मोनेटाइज चैनलों को, वो कहीं भारत के भारतीय सिपाही के ही दिल में उस रेवेन्यू की गोली न लगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ गाइज, और अगर कोई पाकिस्तानी चैनल प्रोपेगेंडा करता हुआ दिखाई दे तो आप हमें जरूर बताएं इस बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।